हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप जो कोलियोस के प्लांट को कैसे अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन से इसके प्रोपेगेशन मेथड्स होते हैं जिसके साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसकी कटिंग ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो सभी जो मेरे पास अभी ये प्लांट्स हैं, ये मैंने सभी कटिंग से प्रिपेयर की हैं। और कटिंग्स इसकी नियर अबाउट 7 डेज़ अपनी रूट्स को इमर्ज करने के लिए ले लेती हैं और मैक्सिमम 10 डेज़ लेंगी अगर आप जो सीज़न है इसका राइट सीज़न में लगाओगे। इसको मैंने लगाया था मई में ही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बट मैंने सेमी शेडेड एरिया में इसकी कटिंग्स को रखा था। विद इन 10 डेज़ ये दोबारा से अपनी लीव्स न्यू प्रोड्यूस करने लग गए थे और जिसके साथ मुझे इनका ग्रोथ का साइन अपीयर हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला प्लांट है, ये सभी जो मेरा एक इंडिविजुअल प्लांट था जो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी और उसके साथ ये सभी पॉट भी टूट गया था। बट मैंने इसको दोबारा से इसकी कटिंग्स लगा दी थी, सभी कटिंग्स अच्छे से चल पड़ी हैं, आप ये देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक कटिंग अपरूट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी रूट्स आ गई हैं। इससे आपको पता चलता होगा जो इसकी प्रोपेगेशन थ्रू कटिंग्स है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैंने ग्रो किए हैं। और इनको ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, इनको सेमी शेडेड एरिया में अगर आप रखोगे, इवन ये प्लांट है या कटिंग है, इन सन लाइक इन समर मंथ्स जून और जुलाई, उसके साथ आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके प्लांट्स पे सनबर्न होने लगेगी। जो इनके मदर प्लांट्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से सनबर्न हो गई है, क्योंकि उनको मैंने फुल सनलाइट में रखा था, बट अभी मैंने उनकी जो प्लेस है वो पूरी तरह से चेंज कर दी है। ये सभी मेरे पास वैरायटीज़ हैं जो मैंने नर्सरी से परचेज़ की थी, बट सम ऑफ़ द वैरायटीज़ मैं अभी सीड से भी ग्रो की हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है कोलियस रेनबो मिक्स, जो कि एक तरह की बीज से ग्रो करी वैरायटी है, और बीज भी इसके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं, जो कि बायोकार्प के सीड्स थे। बायोकार्प के जो सीड्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ग्रो किया था, बहुत ही गुड क्वालिटी के साथ ये सभी जर्मिनेशन परसेंटेज के साथ ग्रो हुए हैं। सिर्फ आपको इसको कोकोपीट में ग्रो करोगे तभी ये इतने ज़्यादा ईजिली ग्रो होंगे, अदरवाइज़ सॉइल में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और इनको सेमी शेडेड एरिया में रखना है जब तक इनके 4 to 5 पेयर ऑफ लीव्स ना निकल जाएं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी आप कोलियस के प्लांट लेकर आते हो, अगर यहाँ पे आपके मॉनसून सीज़न ज़्यादा आता है, मॉनसून डेज ज़्यादा स्टे करते हैं, इसके लिए आप फंजीसाइड इसमें ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द चांसेस में क्या होता है, जो ये वाला प्लांट है मरता इसी वजह से है कि इसमें फंगस लग जाती है। अगर फंगस ज़्यादा लगेगी तो आपका प्लांट पूरी तरह से डेड हो जाएगा और आपकी जो वैरायटी है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें 2 ग्राम फंजीसाइड एंड 1 लीटर वाटर लेकर आपने इनके ऊपर स्प्रे कर देना, जिसके साथ जो इसका फंगस का अटैक है उससे इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और इसमें फंगस ईजिली नहीं लगेगी। सो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और सेकेंडली मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इनकी पॉट रिक्वायरमेंट होती है वो नियर 6 इंचज़ टू 8 इंचज़ तक होती है। अगर आप उससे ज़्यादा डेप्थ वाले पॉट में लगाना चाहते हो उसके साथ और इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, बट मिनिमम जो ग्रोथ है इस प्लांट के लिए वो है 6 इंचज़। 6 इंचज़ में ये बहुत ईजिली ग्रो करेगा। और इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं लीव्स में, इसके कोलियस रेनबो मिक्स, कोलियस सुपर एल्फिन मिक्स, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आप डिफरेंट वैरायटीज़ को परचेज़ करना चाहते हो या उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सीड्स एंड पॉट्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वो इजीली सभी मिल जाएंगी। सो ये अभी मैं दोबारा से आपको कटिंग्स अपडेट दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने ग्रो की थी अपने लास्ट मंथ, और उसमें सभी जो कटिंग्स है बहुत ही ईजिली ग्रो हो गई थी। इनको मैंने सेमी शेडेड एरिया में रखा था और अभी मैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, बस इसमें ही लगे रहने दूंगा, जिसके साथ इनकी मैं पिंचिंग करके इनको एक तरह का बुशी लुक दे दूंगा, जो हमारे सभी प्लांट्स हैं। और ये अभी सभी इंडिविजुअल प्लांट्स बन चुके हैं। अगर आप इसकी रीपॉटिंग करना चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं, सेमी शेडेड एरिया में प्लेस करके, जिसके साथ इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ, इसको NPK 90-90-19, जो कि एक बैलेंस प्रपोर्शन फर्टिलाइज़र होता है, वो बेस्ट रहता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा अच्छे से उसको अपटेक करते हैं। और नाइट्रोजन का कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि जो लीव्स की ग्रोथ है उससे ये ज़्यादा शाइन करते हैं और उसके ज़्यादा लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मदर प्लांट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया इसका, जो कि पूरी तरह से मैंने आपको बताया था कि फुल सनलाइट की एक्सपोज की वजह से। और अभी मैंने इसको सेमी शेडेड एरिया में रख दिया, इसकी न्यू लीव्स की ग्रोथ आने लगी है, इसके साथ ये भी अभी रिकवर हो जाएगा। और यही आपको मैं चीज़ें बताना चाहता था, जो कि इसकी सनलाइट कंडीशन, पॉट रिक्वायरमेंट एंड सॉइल। इसके लिए आप
सैंडी प्लस सम ऑफ द नॉर्मल गार्डन सॉइल प्लस सम ऑफ द काउडंग कंपोस्ट अगर आप डाल सकते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही ईजिली चलेगा। कटिंग्स के लिए सिर्फ सैंडी सॉइल है जिसके साथ आपकी कटिंग्स बहुत ही ईजिली उसमें प्रोपगेट हो जाएंगी। सो यही सब चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फॉर मोर अपडेशन यू कैन ऑल्सो विजिट टू माई चैनल। थैंक यू।